मैं आपसे क्या मुनाजर करूँगा देखे पर देखें इस आया के मुतालिक मैंने बहुत तफसील के साथ आप मेरे चैनल पर जाएँ वहाँ पर मौलवी खलील अहमद के साथ मेरे दो या तीन मुनाजर हैं एक इसी आयत पर है आए गार पर और दूसरा दूसरा तोहैद पर आप उसको देख लें उसमें हर दोनों तो जितने उनके पास दलील थे जमा तुम्हारी वो, तह, वो तहकीक करके कर 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 आय थे तैयारी करके आए थे उनके पास जितना अम्यूनिशन तासी था आ, लाइट और हैवी उन्होंने फेंक दिया यहाँ पर अलहदुल्ला आप देख लें पर उस फैसला कर लें ठीक है ना मुल, अपने साहब के देख लें अगर आप चाहते हैं इस इसमें गुफ्तु -गु करें मैं आपके आप, आप मेहमान में गुफ्तू -गु कर लेता हूँ थोड़ी पांच पा, दस मिनट ज्यादा नहीं आपके साथ इसमें अबूबा करके आप कर मुझे बताएं तो आप मुझे बताएं बकर के जो तारीफ है वो मुझे बताएं तारीफ कहा है इसमें अबूआ बकर

देखें कि इनका ये इनका फरमान यह है देखें और ये बहुत सारे जमात मरियमा आवाम यही कहते हैं कि इसमें क्या है इसमें अबू बकर को साथी कहा गया है देखें मेरे मोहतरम अभी वह मौलवी थे। वो क्या कह रहे थे कहते है कि ते ते साहिब साहबा साहबा साहबी और साहिब में फ़र्क है हालांकि साहबी और साहिब में फ़र्क़ नहीं है और सहाबा और असहाब में फर्क है इसमें भी फर्क है एक ही चीज़ है हबा सहाब, कह दो चाहे असहाब कह दो इसमें फ़र्क नहीं है न ना लोगतन न अच्छा इस वो छोड़ देते हैं अब बहुत सारे जमातों मरियम ये समझते हैं और उनके समझते हैं कि क्योंकि यहाँ पे अबूबकर को साहब कहा गया है ये अबूबकर ये बहुत तारीफ के लफ्स है देखें बाज तारीफ के अल्फाज होते हैं कैमरे को ना हिलाए भाई कैमरे को ना हिलाए बाज क्या है बाज तारीफ़ के अल्फाज हैं जैसे मैं आपको कहता हूँ आप बड़े आलम हैं ठीक है ना आप बड़े मुतकी हैं आप बहुत ही शान आदमी हैं आप बड़े दिलेर हैं आपने बड़े जिहाद किए हैं ठीक है ना ये तारीफ़ के अल्फाज हैं ये वाजह है अगर कुरान में ये अल्फाज आ जाए तो वो सिफत किसी शख्स के लिए सबित हो जाती है लेकिन लफ्ज साहिब जो है लफ्ज़ साहेब के मुतल हम आपसे गुफग करना चाहते हैं देखें कुरान मजीद के कुछ आयात आपकी खिदमत में पेश करता हूँ और इन शाह तम देखते हैं क्या लफ्ज साहिब का मतलब क्या लफ्ज साहिब का मतलब ये साह, साहिबा से मुश्तक है साहिबा से मुश्तक है और साहेबा का साहब का मतलब है हम सोहबत रहना आप जब स्कूल जाते हैं ना उधर कॉलेज जाते हैं उधर अक्सर लड़के मुसलमान हैं है कि नहीं भाई बिल्कुल बिल्कुल उसमें क्रिश्चन भी हैं कोई वीसाई मुस्लिम

أو لم يتفكروا سورة مباركة أعراف يكون يا ربي أي علاجر إيه مالك سورة مباركة أو لم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن, يعني ان, 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 ب... ان هو إلا نذير مبين يا مشركين يعني سوتشت إن كي جو ساتي هن يعني النبي صلى الله عليه وسلم إن كا صاحب إن كا ساتي يه إن 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 كو جنون نيا يه باعل نيا إن هو إلا نذير مبين يه تو واضح طور بيج نذير ठीक है ना भाई نبی صلى صلی اللہ علیہ وسلم کس آه، کے ساتھی بنے ہاں کس کے ہم صحبت بنے کفار کے سورہ یوسف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر من الله الواحد القحار حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں گئے prison میں گئے وہاں پہ دو ان کے ساتھ جیل والے ہیں، وہ دونوں مشرک ہیں وہ نبی اللہ یوسف علیہ السلام کو توحید کی دعوت دیتے ہیں کہتے ہیں یا صاحبی السجن اس سجن میں میرے دو ساتھی زندان میں میرے دو ساتھی ارباب متفرقون بہت متفرق رب بہتر يا یا ایک واحد الله القهار کون سا صحیح ہے ٹھیک ہے بنا یہاں پہ نب... ایک نبی اس کے ساتھ دو صاحب ہیں نبی دو صاحب کیا ہیں دونوں کافر دونوں مشرک صاحبي السجن اما احدكما فيسقي ربه خمرا واما الاخر فيسلب فتاكل الطير من راسه اے میرے जा, या, या साहब य में मेरे दो साथी आप में से उन्होंने ख्वाब देखा था ना कि एक एक ख्वाब की तावील भी यहाँ पे मौजूद है मैं उनका तर्जमा नहीं करता सबका कर टाइम लग जाएगा बहरहाल ये इनको कहाँ इन दोनों को क्या कहा नबी आ सलाम का, का साथी अच्छा और मजीद में सुर मुबारक का हफ में मुलायजा फरमाइया وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره ان انا اكثر منك مالا وعز نفرا هيك شخص كافر وهيك شخص مسلمان هي دونوں اپس میں گفتگو کر رہے کافر مسلمان سے کہہ رہا ہے اور وہ مسلمان اس کا صاحب ہے یہاں پہ کیا بنا مسلمان کافر کا ہم صحبت ہے صاحب ہے انا عز انا اكثر منك مالا میرے م... میرے بڑے پیسے ہیں میرے بڑے مال ہیں تو تیرے پاس کیا تو فقیر آدمی ہے तो मुसलमान ने उसके क्या कहा उसका जो साथी था मुसलमान उसने उससे कह दिया कि भाई क्या तू काफिर हो गया तू काफिर हो गया है उस रब के लिए जिसने तुझे मिट्टी से पैदा किया तुम मिन तुम सवा रजुला तुझे बनाया फिर तुझे, तुझे इंसान बनाया कामिल इंसान बनाया ठीक है ना तो यहां पर क्या है एक मुसलमान है कम तो लफ्ज़ साहिब किस पे दलालत करता है लफ्ज सा दलालत नहीं करता अगर मैं किसी को ममिन करे दो ना आप मोमिन है जिसका तो मतलब है आप मुसलमान हैं मोमिन है अगर मैं कह दूँ कि आप मुजाहिद हैं आपने जिहाद किया ये हर लफ्ज़ अपने माना को हमल करता है नबी सल्ला को यहाँ पे आए गार में उनके साथ जो शख्स है वो उनको कहा गया कि हम सोहबत है भाई हम तारी, अच्छा, जो, जो ये बात की नाजर तो यूसुफ की मिसाल दिखी हो जब वो जेल में थे मतलब वो सिचुएशन और ये वाली सिचुएशन ये तो इसमें जो है ना बहुत ज्यादा फर्क है वो तो नबी सार में किस मकसद से गए थे तो मतलब नहीं तो वो, ना। ना वो दूसरी आयत है आपने आए गार आप देखो भाई आपने आए गार आए गार शब सामने, सामने आप बताएं अबू बकर की तारीफ क्या है मुझे बताए ना जो भी तारीफ है आपके जहन में आ जाता है मुझे बताएं लफ्ज साहिब का आपने सानिया इसका तर्जुमा नहीं आता चोड़ा तर्जुमा नहीं आता जो आपको आता है इसमें तारीफ है अबू बकर की वो मुझे बताएं

अच्छा आया जो है बात सुने है। बा, बात सुने बात सुने इससे पहले वाले आयत पढ़े हैं इससे मैं आया कॉल में सूरह तौबा तो आया नंबर चालीस भाई मैं बार-बार मैं नहीं कहना चाहता क्योंकि मैंने पॉइंट्स को बहुत द, ब, बहुत दफा बयान किया है ना तो दोबारा इनको बार-बार कहने की जरूरत नहीं है आप कहते हैं ना कि मेरे लिए व्हील दोबारा क्रिएट करो तो आपके लिए व्हील व्हील क्रिएट करना समझते हो कैमरे के साथ ना चढ़ो पहले कैमरे ديكو آيات अपनी آيات देखो आयात यह है आयात सुरह يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل أي إيمان والو جب النبي صلى الله عليه وسلم آپ کو حكم جهاد دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ تم ज़मीन पे बड़े बारी बन जाते हो तुम क्या तुम आखरत दुनिया को चाहते हो दुनिया की तो कोई वैल्यू नहीं है आखरत में अच्छा इल्ला फिर अजिब तुम अदाबन अलीमा ऐमान वालो अगर तुम जिहाद के लिए ना निकलो तो अल्लाह तुम्हें सख्त अजाब देगा दर्दनाक अजाब देगा वो यस्त दिलकाउमन गये और आपकी जगह एक दूसरे कौम को लाएगा वाला तजर होशैया और तुम अल्लाह को कोई जर नहीं पहुँचा सकोगे अल्लाशन कदिर अल्ला तन शुरू हो

नुरत नहीं करते तुमने तो उस वक्त भी नुसरत नहीं किया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो। अल्लाह ने नुरत की इस वक्त इज अखरजीन का फरू जब मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफरों ने निकाल दिया था अखरज हुमा नहीं अखरजू अखरजहू कौन है पैगम्बर को निकाला अबू बकर को अबू वक्र को मक्के में मुश्किल ही नहीं था अबू बकर मक्के में उसको कुफार से कभी दुश्मनी नहीं हुई कुफार से कुफार को कोई काम किस किताब में दिखा ना को कुफार का दुश्मनी था अबू बकर से कुछ दुश्मनी नहीं थी उसका

ये तारीफ़ के लिए नहीं आयत मजम्मत के लिए सहाबा की मजम्मत के लिए अगर ये तारीफ के लिए होती तो उसी वक्त नाजिल होता हिजरत के वक्त नाजिल होता या आयत हिजरत के वक्त नाजिल नहीं ना। हुई इससे कई साल बाद अजवा तबूक के मौके पर जब सहाबा जो है वो आयात बहुत ही सूर्य में सहाबा की मजम्मत में कहीं निकलना नहीं चाहते जिहाद के लिए उस वक्त नाजिल हुई तो, तो यहाँ पर तो यहाँ पर देखो अब अब मैं इससे मजीद नहीं करना चाहता अगर तेरे जहन में इस आया में तो कोई अबू बकर की तारीफ है तो बताओ तारीफ कहाँ है ईमान पर सिर्फ किया क्यूँकी अल्लाह तुम्हें ईमान पर सिर्फ